उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बसों को प्रवेश नहीं मिलने के बाद देश की सियासत गर्माती नजर आ रही है और इसी के तहत पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता कर यूपी सरकार पर केंद्र के आदेशों को नहीं मानने का आरोप लगाया। यूपी के सह प्रभारी जुबेर खान ने कहा कि जिन छात्रों को कोटा से बसें लेकर आई थी उन्हें भी ऑनलाइन जांच में थ्री व्हीलर दिखाया गया था। वहीं पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने यह कहा कि लॉकडाउन में लाखों श्रमिक पैदल चलने को मजबूर हैं और ऐसे में जब केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों का किराया वहन करने का फैसला किया और जब प्रियंका गांधी ने श्रमिकों की मदद के लिए 1000 बसों का प्रबंध किया तो यूपी सरकार ने राज्य में इन बसों को परमिशन नहीं दी। पायलट ने यह भी कहा कि केंद्र के पास मजदूरों के लिए कोई नीति नहीं है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र सरकार से यूपी सरकार पर कार्रवाई की मांग की और इस मौके पर आईसीसी सचिव धीरज गुर्जर समेत कई नेता मौजूद रहे। बात स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष रखी है। हकीकत यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ने पहल कर बसों का अंजाम कर दिया, यूपी की सरकार तिलमिला गई और बहाने ढूंढकर बहुत जो निर्मम काम किया वो अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, आंकड़े हमारे पास हैं और आज इसलिए आपके बीच में आना जरूरी पड़ा क्योंकि एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं और अच्छा काम करने वालों को मैं तो कहता हूँ, मैं खुद धन्यवाद देता हूँ यूपी सरकार का। अगर वो बड़ा मन रखकर प्रियंका गांधी जी द्वारा दी गई बसों को स्वीकार करते, धन्यवाद करते, मैं समझता वो सरकार का सही तरीके का काम करने का तरीका होता। लेकिन उन्होंने तिलमिला के इस प्रकार का व्यवहार किया, नेताओं को जेल में डाल दिया, केस दर्ज कर दिए, पुलिस खड़ी कर दी, गतिरोध पैदा कर दिया। ये संकीर्ण सोच का